फरवरी 2006 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी हेडिंग दिया है परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न रह जाए। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? एक तो प्रभु प्यारे, प्रभु माने क्या? प्रामाना प्रकष्ट रूपेण, भू माने उत्पन्न हो, जो प्रकष्ट रूप से संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। बच्चों को प्रत्यक्ष करते करते कितना टाइम हो गया? 70 साल। 70 साल बीत गए, अभी भी उस प्रभु को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो अपने अपने फोटो छपा करके प्रत्यक्ष करना शुरू कर दिया। उनकी देखा दूनी आज के नेताओं ने भी अपने अपने फोटो जोर शोर से छपाने शुरू कर दिए। धर्म नेताओं ने भी अपने फोटो छपाने शुरू कर दिए। और बाप के बच्चों ने जब देखा कि नहीं, हमारे चेहरे से, हमारी चलन से बाप प्रत्यक्ष होता है, तो फोटो छपाना शुरू कर दिया। ये तो बहुत सहज युक्ति हो गई क्या कि फोटो छपा दो और बाप प्रत्यक्ष हो जाए। सिर्फ फोटो छपाने से प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? कि बच्चों की मानसिक स्टेज ऐसी पावरफुल बने, ऐसे वाइब्रेशन चारों ओर फैले कि बाप प्रत्यक्ष हो जाए। बच्चे पहले बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? क्यों? बाप तो अकेला है, बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। फिर बच्चों की संगठित पावर तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कहते भी हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। शास्त्रों में भी कहा है संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसने दुनिया की हिस्ट्री में सबसे जास्ती लंबी समय तक दुनिया में राज्य किया है? अनेक देशों में राज्य किया है, भले विश्व विजय नहीं कर पाए। उस धर्म में क्या खसूसियत हुई? उन सब की बुद्धि का योग एक काबा में लगा हुआ है, अरब देश में लगा हुआ है। बुद्धि की एकाग्रता हो गई, उनकी बुद्धि में जो ऊंचे से ऊंचे अल्लाह ताला माना जाता है वो एक स्थान का वासी हो गया, एक व्यापी हो गया।
तो कितनी पावर आ गई। इब्राहिम को अथवा कोई भी धर्म पिता को अपना धर्म स्थापन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगा? 100 साल। ज्यादा से ज्यादा 100 साल। 100 साल भी नहीं लगे। और उन्होंने इतनी संगठन की पावर एकाग्र करना कराने की शक्ति अपने फॉलोअर्स को सौंप के चले गए। वो तो आततायी धर्म है, आक्रामक धर्म साबित हुआ संसार में। वो सब विदेशी धर्म, विधर्मी धर्म सब हिंसक साबित हो गए। कोई काम कटारी की हिंसा वाले, विचार फैलाने वाले और कोई स्थूल हिंसा फैलाने वाले। लेकिन उन बापों का बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं कराता। पहले तो 33 साल कितने प्यार की पालना दी, बाकी दूसरे 33 साल में प्यार और आर, जैसे बैल को अरई लगाई जाती है, जोर से पिटाई नहीं की जाती, वो भी वाचा की अरई। महीन चमड़ी के जानवर होते हैं तो उनको अरई ज्यादा लगती है, और मोटी चमड़ी के जानवर होते हैं तो उनको अरई महसूस ही जैसी नहीं होती। लेकिन बाप बच्चों के ऊपर आक्रामक नहीं बना। एक बार नहीं, 1000 बार उसी बात को समझाता है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। और 70 साल होने के बावजूद भी जो मुख्य पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई का मुख्य मुद्दा कौन सा है? प्योरिटी। 84 जन्मों की प्योरिटी नहीं, 63 जन्मों के लिए भी नहीं, 1 युग के 42 जन्मों के लिए भी नहीं, सिर्फ 1 जन्म के लिए। उसमें भी ढेर सारा टाइम तो भिखारी बनते बीत गया। संदेश मिलने से पहले, बाप को पहचानने से पहले बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी में भी थोड़ी रही। तो भी एक एक बच्चा अपने दिल के अंदर झांक के देख रहा है कि हमने कितना परसेंटेज में मनसा वाचा कर्मेंद्रियों से, दृष्टि से, वृत्ति से कितने परसेंट पवित्रता के ऊपर विजय पाई। खास
खासकर के बाप की नजर अपने बच्चों के ऊपर है। वो बाप आत्माओं का बाप शिव भी है और शिव कल्याणकारी है। कल्याण करने के लिए लंबे से लंबा टाइम बच्चों को देता है स्वतः परिवर्तन के लिए कि अपने आप परिवर्तित हो जाए, क्योंकि स्वपरिवर्तन से ही दुनिया परिवर्तन होगी। स्व का परिवर्तन नहीं हुआ तो आत्मा की प्रत्यक्षता भी संसार में नहीं हो सकती। आत्माएं अपने अनेक जन्मों के अनेक पार्ट को पहचान नहीं सकती। आत्माएं अपने बारे में ही नहीं पहचान सकती, अपने ही अपने लिए प्रत्यक्षता नहीं कर सकती तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष कर लेंगी, और वो भी सिर्फ चित्र छपा के, पोस्टर छपा के। कहते हैं बाबा हमने तो आपसे पूछा। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा हम मकान बना ले, तो ब्रह्मा बाबा ने परमिशन दे दी। ये परेशानी वो परेशानी, बहुत दुखी है, परमिशन मिल गई, थोड़ी सी पख लगा दी, एक कमरा में गीता पाठशाला चालू कर देना। वो बात मकान बनने के बाद धीरे धीरे भूल गई। बच्चे आकर के पूछते, बाबा बहुत परेशानी है, बीमारी है, तंगी है, प्रेशर पड़ रहा है, शादी करनी पड़ेगी, हम पवित्र रह करके दिखाएंगे। बाबा शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छा बच्चे, कोई ऐसा बच्चा निकले शादी करके पवित्र रह के दिखाए, लक्ष्मी नारायण बने और लक्ष्मी नारायण बनाए, परमिशन मिल गई। ढेर के ढेर गर्म गंधर्वी विवाह हो गए, चलो वो तो ऐसे स्वरूप के द्वारा परमिशन मिली जो स्वतः ही शरीर छोड़ करके चले गए। लेकिन बाप को तो अकाल मूर्त कहा जाता है, कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जानते भी है, भले बीच बीच में अनिश्चय की लहर भी आती है, घड़ी घड़ी निश्चय आता है, निश्चय रूपी जन्म होता है और घड़ी घड़ी अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। जानते हैं कि हम खुद ही जन्म मरण के चक्कर में चल रहे हैं। तो भी पूछते हैं, बाबा आपकी प्रत्यक्षता के लिए फोटो छपा दे वॉलपेपर्स। अरे ये प्रैक्टिकल काम करना तो बड़ा सहज हो गया। फोटो छपा दे, वॉलपेपर छपा दे, जैसे वो देहधारी धर्मगुरु करते हैं,
बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें 3 मूर्तियां छपाए देते हैं, बताते हैं कि 3 मूर्तियां अलग से कोई नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ बजाते हैं, इसलिए हम ही त्रिमूर्ति शिव के रूप में संसार के सामने साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो ऐसे यहां भी सिर्फ चित्र छपाने मात्र से कोई नहीं प्रत्यक्ष हो सकता है, पहले चाहिए चरित्र। काम के आधार पर नाम होता है, काम तो अभी कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, मूल काम है प्योरिटी से यूनिटी, एडवांस पार्टी में तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं और उनके संस्कार कौन से हैं, भारत के राजाओं के हिस्ट्री में क्या संस्कार रहे, यूनिटी के संस्कार रहे या डिसयूनिटी के संस्कार रहे, प्योरिटी नहीं रही तो यूनिटी कहां से आ जाएगी, और जब संगठन ही नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष कर लेगी, कोई हठ योग तो है नहीं कि चित्र छपा देने से प्रत्यक्षता हो जाएगी। चलो ये भी बच्चों का एक प्रयत्न मात्र है, बाबा से पूछते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपनी जिम्मेवारी पर भले छपा लो, कोई पूछने आए तो बाबा तो ना कर देंगे, तुमसे अगर कोई पूछे तो बैठ के समझाना, अरे दूसरे को साबित बाद में करें, पहले अपने मन के अंदर तो टटोल के देख ले, हमारे मन के अंदर कहीं अनिश्चय तो नहीं आता है बाप के पाठ के ऊपर, जब खुद के अंदर ही अनिश्चय आता है तो दूसरों को कैसे प्रत्यक्ष कर लेंगे, फोटो छपाने मात्र से थोड़ी प्रत्यक्षता हो जाती है, नाम चाहिए, नाम के पीछे होता है काम, काम तो कुछ भी नहीं प्रत्यक्ष हुआ, चित्र छपाने से पहले, चित्र प्रत्यक्ष करने से पहले चरित्र चाहिए, चरित्र तो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, औरों के सामने प्रत्यक्ष बाद में हो, पहले अपने मन के अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाए, कहते हैं बात वो तो बाबा ने मुरली में ही बोल दिया है, शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, अब इस समय हम क्या करें, तो बच्चे अपना हाथ पांव मारते रहते हैं बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए, कोई ना कोई छुटपुट प्रयत्न करते रहते, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए बोला, ब्रह्मा बाबा जल्दी जल्दी माला बनाने लगे, माला माना संगठन, और बाप मुस्कराने लगे, क्यों मुस्कराने लगे, कोई स्थूल माला तो है नहीं जो जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी, ये तो संगठन रूपी माला है, यज्ञ के आदि में भी माला बनाते थे, फिर जिनकी माला में नाम डालते थे, माला बनाते थे, वो उखड़ के भागने लगे तो माला बनाना बंद कर दिया,
अभी तो फाइनल परीक्षा भी नहीं हुई है। माया अपना पुरजोश जोर शोर से अपनी शक्ति दिखाएगी, आखिरी पावर जमाएगी और उसके साथ प्रकृति भी अपना तांडव नृत्य करेगी। शंकर जी का ही तांडव नृत्य सुना है कि और किसी का भी सुना है? है? किसका? पांडव नंगा नाच नाचते हैं, है? शक्तियों में किसका नाम प्रसिद्ध है? है? महाकाली। महाकाल का डांस भी प्रसिद्ध है और महाकाली का भी डांस प्रसिद्ध है। उसके लिए बोल दिया है शक्तियां एक्स्ट्रा सहयोग दे देंगी। तो माया रावण की प्रकृति भी पक्की सहयोगी बनेगी और जो अभी थोड़ा बहुत निश्चय बैठा भी हुआ है, नंबर वार, उस निश्चय को भी उखाड़ देगी। तब पता चलेगा। बाप को कौन कौन प्रत्यक्ष करते हैं, छोटा सा सैंपल सन 98 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, शू कंपनी वाला अखबारों में निकला, टीवी में निकला, रेडियो में निकला, चारों तरफ से बौछार होने लगी ग्लानी की। और सब अपने अपने घरों में दुबकने लगे। जो हामी भरते थे, हमको बाप बहुत प्रिय है, हम बाप की प्रत्यक्षता करके दिखाएंगे। कलकत्ते से सूर्य उगता है, कलकत्ते में ही प्रैक्टिकल हम प्रत्यक्षता करके दिखाएंगे। वो कहने वाले भी साहब दुबक गए। तो ये तो बड़ा सहज तरीका निकाल लिया कि चित्र छपा दो और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सब है मन के गल्ले। थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, जैसे मनमानी चाल से बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रदर्शनी किए, मेले किए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, सम्मेलन किए, मेगा प्रोग्राम तक किए, लेकिन बाप तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बाप के प्रत्यक्ष होने का छोटा सा सैंपल सन 76 में हुआ था, जो अव्यक्तवाणी में बोला भी कि सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर हुआ या पोस्टर छपा करके हुआ? वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर होता है। बच्चे ऐसा संगठित पुरुषार्थ करके दिखावेंगे, ऐसी निराकारी निसंकल्पी स्टेज बनावेंगे तो आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होंगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन वो ऐसी अवस्था बच्चे अपने आप भी नहीं बनाने वाले।
ऐसा पुरुषार्थ अपने आप करके दिखा दे, वो भी ताकत अभी नहीं दिखाई देती। इसलिए बाप ने ही बोला हुआ है क्या कि मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। ये क्या बात होती है? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। एक मत्स्य अवतार हुआ, वो सारी पृथ्वी को नाक से उठा करके और उबारने के लिए ले गया। तो नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, नाक पर बिठा के ले जाऊंगा, सर के ऊपर बिठा के ले जाऊंगा, सर माथे पर उठा लूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? नैनों पर बिठा कर कैसे ले जाएगा? बच्चों की दृष्टि में, वृत्ति में 63 जन्मों के संस्कार होने की वजह से, विकारी संस्कार होने की वजह से अपनी ये भी शक्ति नहीं रही कि वो अपनी पावर से उठ सके, आत्मा और परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष कर सके, ऐसी स्टेज बना सके। तो फिर बाप को ही रहम पड़ता है। इसलिए बोला अंत में ऐसी पावरफुल दृष्टि देंगे कि तुम बच्चे ठहर भी नहीं सके। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, प्यार के साथ साथ हार भी चल रही है। मार तो नहीं, लेकिन वो प्रभु ऐसे प्रकट रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है कि सारे संसार में तेजी से आवाज फैल जाती है। एक तरफ होते हैं प्रत्यक्षता के नगारे और दूसरी तरफ होते हैं विनाश के नजारे। सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं। कितने साल हो गए कहते हुए कि अव्यक्त स्टेज बनाओ, कितने साल हो गए? 70 साल से नहीं कह रहे। जब तक साकार पाठ था तब तक अव्यक्त होने के लिए नहीं बोला। जब साकार शरीर छोड़ करके आकारी बन गया तो बाद में इशारा करना शुरू किया कि सैंपल तुम बच्चों के सामने है, आकारी बन जाओ, निराकारी बन जाओ। आकारी चाहे निराकारी दोनों ही अव्यक्त स्टेज है। लेकिन जब शुरू शुरुआत में ज्ञान में आते हैं तो छोटे बच्चों को जैसे उंगली पकड़ करके चलाया जाता है, ऐसे बाप दादा भी नए नए एडवांस में आने वाले बच्चों को उंगली पकड़ करके चलाते हैं। तो शुरुआत की सतो प्रधान स्टेज में अव्यक्त स्टेज का नंबरवार अनुभव करते हैं। और बाद में एक दूसरे की बातों में ऐसा समा जाते हैं, ऐसे आकर्षित हो जाते हैं कि बाप की वाणी और बाप का आकर्षण धरा रह जाता है।
बाहरी दुनिया का संघ का रंग लगता है तो अवस्था ही नीचे आ जाती है। अनुभव कर लेते हैं कि हमारी आत्मा ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में जा रही है। श्रीमत का उल्लंघन होता है पहचानने के बाद तो 100 गुना बोझ चढ़ जाता है। वो बोझ अगर बाप को पोता मिल नहीं दिया तो और ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। सबको इस बात का अनुभव हो रहा है। जिसको इस गलती किला का कला का अनुभव न हो रहा हो वो हाथ उठा दे। बेसिक नॉलेज में अथवा एडवांस नॉलेज में आने के बाद जिसको लगातार अब तक चढ़ती कला का अनुभव हो रहा हो, गिरती कला का अनुभव हो ही ना रहा हो, वो हाथ उठाए। अरे कैमरा मैन बाबा को कैमरा मैन भी ऐसे ही मिलते हैं। कोई नहीं हाथ उठा रहा है। अरे भूले भटके उठा दो। तो इसका नाम रखा है रियलाइजेशन कोर्स। कौन सा कोर्स? रियलाइजेशन कोर्स। आत्मा रियलाइज कर रही है कि संग के रंग से नीचे जरूर गिरती है। संग का रंग होता है तो अन्न दोष भी होता है और अन्न दोष होता है तो नीचे जरूर गिरते हैं। दृष्टि दोष भी होता है। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि मनसा में भले पाप कर्म होता रहे, उदान खास्ता वाचा में भी अगर हो जाए तो भी उतना पाप नहीं बनेगा, लेकिन अगर कर्मणेन्द्रियों से कर्मणा से पाप कर्म बन जाता है, श्रीमत की वरखिलाफी हो जाती है तो जरूर 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो सब अनुभव कर रहे हैं कि शूटिंग पीरियड में, ये चारों युगों की शूटिंग पीरियड में, चार अवस्थाओं की शूटिंग से साफ गुजर रहे हैं। नीचे गिरने की गिरती कला का अनुभव कर रहे हैं। बेसिक वालों की बात नहीं है, एडवांस वाले भी इसका अनुभव कर रहे हैं। तो फिर चढ़ती कला कैसे होगी? है होगी या नहीं होगी? होगी तो जरूर। फिर निमित्त कौन बनेगा? है बाप खुद निमित्त बनेगा। बाप अपनी प्रत्यक्षता अपने आप करेगा। है नियम क्या बना हुआ है? सन सोर्स फादर और फादर सोर्स सन्स। तो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, पहले करेंगे कि बाद में करेंगे? है पहले बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर लेंगे। हाँ बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि छुपा रुस्तक रुस्तम के रूप में पार्ट बजाने वाला बाप है। पांडव भी गुप्त थे, नंबर वार गुप्त पार्ट बजाने वाले, गुप्त पुरुषार्थ करने वाले
उनका गुप्त पद मान मर्तबा सब गुप्त। तो बाप भी पांडवों का बाप है, तो वो अंत तक अपने को गुप्त रखेगा या बच्चों से पहले प्रत्यक्ष कर लेगा? बाप तो अपने को प्रत्यक्ष करेगा ही नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष करने का तरीका बाप ने बताई दिया। क्या तरीका बताया? बच्चे बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें? अपने चेहरे से, जैसे धर्म पिताओं का चेहरा ट्रांसपेरेंट देखने में आता है, ऐसी अव्यक्त स्टेज का चेहरा जब तक बच्चे नहीं बनाएंगे तब तक बाप प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। स्थूल चित्र छपाने से बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो संचित्र में ही कोई छपा देता वो प्रत्यक्ष हो जाता। इसलिए बाप का एक नाम टाइटल जैसा नाम रखा हुआ है प्रभु। प्रभु माना प्रकट रूप से संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला। गुप्त रहता है लंबे समय तक, लेकिन गुप्त रहने की भी कोई सीमा होगी। तो प्रत्यक्ष होता है वो प्रभु के प्यार में। बच्चे अभी पल रहे हैं, बाप और दादा दोनों ही कमांड रूप से ऐसे प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। एक दिशा के बच्चों को नहीं देख रहे हैं, चारों दिशाओं के बच्चों को देख रहे हैं। प्रभु प्यारे होंगे तो फोटो छपा करके बाप को प्रत्यक्ष करने वाले होंगे क्या? फोटो छपा करके बाप को जो प्रत्यक्ष कर दे वो प्रभु प्यारे बन जाएंगे क्या? फिर तो श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। श्रीमत तो कहती है अपने चरित्र से, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो ऐसे प्रभु प्यारे बच्चों को बाप देख रहे हैं। कागज पर या बोर्ड पर चित्र छपाने वालों को नहीं देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को इमर्ज करके देख रहे हैं। कहां कहां की वाणी चलाई हुई है? माउंट आबू। तो माउंट आबू में वो बच्चे बैठे होंगे हैं? नहीं बैठे। फिर देख कैसे रहे उन बच्चों को? चारों दिशाओं से आए हुए बच्चों को इमर्ज करके देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई क्या? कहां से चुने हुए? सारे विश्व से चुने हुए। कौन सा विश्व? सारा 500 करोड़ की दुनिया में से चुने हुए, या ब्राह्मणों की जो लाखों करोड़ों की दुनिया बन गई है उसमें से चुने हुए,
या एडवांस पार्टी के जो मुट्ठी भर बच्चे हैं उसमें से चुने हुए? कौन सी दुनिया के बच्चों को देख रहे हैं? तीन दुनिया है, एक बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया और दूसरी ब्राह्मण परिवार की दुनिया, लाखों करोड़ों की तादाद में ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बन चुके हैं। चलो मुखवंशावली ने सही तो कुखवंशावली ही सही, लेकिन बन तो गए हैं ब्राह्मण। ऐसी दुनिया। और तीसरी दुनिया कौन सी? जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। सारी दुनिया से चुने हुए बीज, और उनमें से भी जो सारा विश्व है बीज रूप आत्माओं की दुनिया का, उसमें से चुने हुए कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई। करोड़ों मनुष्य हैं दुनिया में, और उसमें से कोई कोई को चुना गया बेसिक नॉलेज में, और उन बेसिक नॉलेज में आने वालों में से भी जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों में से फिर चुनाव किया और एडवांस नॉलेज में आ गए, तो तीन दुनिया हो गई। बाहर की दुनिया में भी तीसरी दुनिया मानी जाती है। क्या नाम है उस दुनिया का? अखबारों में भी नाम आता है, हैं? न्यूट्रल कंट्रीज। क्या? न्यूट्रल रहने वाले, किसी महाशक्ति की तरफ झुकने वाले नहीं है, लेकिन न्यूट्रल रहने वाले। क्या किसी व्यक्ति विशेष की महानता की तरफ झुकने वाले नहीं? ऐसे जो न्यूट्रल देश के बच्चे हैं, न्यूट्रल देशों की जो दुनिया है, उस तीसरी दुनिया से चुने हुए कोटों में से कोई बच्चों को देख रहे, जो परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। क्या? किसके प्यार के? परमात्मा, परम पिता प्यार के अधिकारी नहीं बोला, परमात्मा प्यार के अधिकारी। क्यों परम पिता प्यार के अधिकारी क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि परम पिता कहा जाता है बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को, वो परमात्मा नहीं है। आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला नहीं है, हाँ जब वो प्रवेश करता है कोई मुकर्रर रथ में, तो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाता है। इसलिए परम आत्मा से पहले परम पिता लगाया जाता है। तो परम पिता के प्यार के अधिकारी कितने बच्चे होंगे दुनिया में, और परमात्मा प्यार के अधिकारी कितने बच्चे होंगे? दोनों की संख्या समान होगी या बहुत अंतर होगा? क्यों? परम पिता के अधिकारी कितने बच्चे हैं? सारी दुनिया परमपिता के परमपिता के प्यार की अधिकारी है। जो भी बिंदु बिंदु मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब उसके प्यार के अधिकारी है। कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा लेने वाले सभी हैं,
लेकिन परमात्मा प्यार के अधिकारी समी नहीं है, क्योंकि परम पार्ट धारी के रूप में 500 करोड़ के बीच में पार्ट बजाने वाला हीरो पार्ट धारी और उस हीरो पार्ट धारी के प्रैक्टिकल प्यार के अधिकारी। प्रैक्टिकल प्यार क्या होता है और इम्प्रैक्टिकल क्या होता है? जैसे तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं हम परमात्मा प्यार ले रहे हैं, परमात्मा प्यार में पल रहे हैं, तो क्या वो पल रहे हैं या सिर्फ कहते हैं? जैसे दुनिया में भक्त लोग कहते हैं हमें भगवान का प्यार मिला, मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्यार किसी को नहीं मिलता। प्रैक्टिकल कहा ही जाता है कर्मेंद्रियों के द्वारा। जो भी नाक कान इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्यार के अधिकारी बनते हैं, सर्व संबंधों से अधिकारी बनते हैं। उन सर्व संबंधों में से अधिकारी बनने वाले जो फोटो में से कोई चुने हुए बच्चे हैं, जो इस परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं, उनको देख रहे हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है। कहां लाया है? तलहटी में तलहटी की बात नहीं है, बाप जिन बच्चों को देख रहे हैं उनको परमात्मा प्यार के प्रैक्टिकल अधिकारी जो बन रहे हैं, चाहे वो दृष्टि मात्र से ही क्यों न हो, दृष्टि को भी प्रैक्टिकल प्यार कहेंगे या नहीं कहेंगे? दृष्टि को भी प्रैक्टिकल प्यार कहा जाएगा। और वाचा को, वाचा से भी अगर सन्मुख बैठ करके सुनने वाले हैं तो प्रैक्टिकल प्यार के अधिकारी हुए या नहीं हुए, उनको भी कहेंगे अधिकारी। लेकिन यहाँ क्या खास बात बोली? यहाँ बोला सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई, जो भी बीज रूप आत्माएं एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं उनमें से भी चुने हुए, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हमारे लिए पहले ही मर गई, आप मुए मर गई दुनिया, वो तो सन 76 से ही महसूस होना चाहिए। जब से बेसिक नॉलेज में आए तभी से 500 करोड़ की दुनिया मरी पड़ी है, एटम बम फटने वाले हैं, सब मरे पड़े। बहुतों ने ये अनुभव भी किया होगा प्रैक्टिकल। और जब एडवांस में आए तो जो भी आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया है, जिन्होंने प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को नहीं पहचाना है, वो सब मरे पड़े। आज नहीं तो कल मर जाने वाले। तो उन दोनों दुनिया की तो बात ही नहीं। जो तीसरी बीज रूप आत्माओं की दुनिया है उसमें से भी चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी है। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहां तक लाया है। ये कहां बोल रहे हैं? यहां तक माने कहां तक? अरे पहले तो एक मिनी मधुबन था, वहां के लिए बोलते थे यहाँ, और अभी तो एडवांस पार्टी में तो ढेर मधुबन खुलते चले जा रहे। अब व्यक्तवाणी में बोल दिया
जहाँ जहाँ मिनी मधुबन का नक्शा बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो यहाँ तो मधुबन बहुत हो गए, तो कहाँ की बात कही होगी। परमात्मा प्यार नहीं आप बच्चों को यहाँ लाया है, ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। इस समय है संगमयुग में सन 36 से सन 68 तक, पुरुषोत्तम संगमयुग में सन 76 से अनुभव करते हो। जो बीज रूप आत्माएं सन 76 में बाप के प्रत्यक्षता के निमित्त बनी वो अनुभव करते हैं, करते हैं सन 76 में विदेशी बीज रूप आत्माएं थी वो बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनी ना, तो वो अनुभव करते हैं परमात्मा प्यार का, अनुभव करते हैं प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। अभी कह रहे हाँ, अभी कह रहे नहीं। तो आप बच्चे अभी अनुभव करते हो इस समय ही, इस समय माने किस समय, जबकि तीसरी मूर्ति का पाठ भी प्रत्यक्ष होने वाला है और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार, ऐसा प्यार अनुभव किया है सारे कल्प में। किसका किसका अनुभव किया, परमात्मा प्यार अनुभव नहीं किया सारे कल्प में, किसका किसका बताया, आत्माओं का प्यार अनुभव किया, महान आत्माओं का माने महात्माओं का प्यार अनुभव किया और धर्म आत्माओं अथवा धर्म पिताओं का प्यार अनुभव किया। लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए हो, कोई आपसे पूछे कि ऐसा परमात्मा प्यार जो आपको प्रैक्टिकल में मिल रहा है, जिसकी छत्र छाया में आप पल रहे हो, वो परमात्मा कहाँ है, कोई पूछे तो क्या कहेंगे है? क्या कहेंगे है? हाँ, परमात्मा बाप तो हमारे साथ भी ही है, साथ ही है। परमात्मा प्यार प्रैक्टिकल बात है या हवा में साथ है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल में छने छने हमारे साथ है, हम उनके साथ रहते हैं है? मुरली में इसका गायन क्या है, तुम संग खाऊं, तुम संग बोलूं, तुम संग स्वासों स्वाथ साथ साथ निभाऊं, तो हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता, कितना फकुर से बोलेंगे, कितना फकुर कि हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, ये तो सामान्य बात, क्योंकि हमारे जैसे तो बच्चे सैकड़ों हजारों हैं बाप के, लेकिन
परमात्मा बाप भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा प्यार तुम बच्चे अनुभव कर रहे हो, हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते, माना क्या है? संसार में ऐसे भी प्यार करने वाले होते हैं जो घोषणा कर देते हैं, अगर हम दोनों आपस में साथ नहीं रह सके तो क्या कर देंगे है? क्या कर देंगे? शरीर त्याग देंगे। नहीं रह सकते का मतलब क्या हुआ? हम शरीर त्याग देंगे। इतना बच्चे तुम प्यार का अनुभव परमात्मा से अभी अभी करते हो, अलग से कहेंगे वो हमारे दिल में रहता है और हम उनके दिल में रहते हैं। हनुमान जी ने क्या किया है? हनुमान जी ने छाती फाड़ करके अपना दिल खोल के दिखा दिया। तो छाती फाड़ने की बात नहीं है, ऐसे फलक से बोलने की बात है। फलक से निश्चय पूर्वक अनुभव करने और अनुभव कराने की बात है। हमारे दिल में रहता है, हम उनके दिल में रहते हैं, ऐसे अनुभवी है ना? पूछा कहाँ? पूछा तलैटी। फिर पूछा है अनुभवी? अनुभवी है? दोबारा पूछा क्या दिल में आता है? फिर तीसरी बार पूछा। दिल में आता है कि हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन अनुभवी होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं, इनको देख करके हर्षित होते हैं, ऐसे प्यार के अधिकारी जिनके दिल में बाप बसा हुआ हो और बाप के दिल में वो बच्चे बसे हुए हो। परमात्मा प्यार की निशानी क्या होती है? परमात्मा प्यार की निशानी ये होती है कि जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। क्या कोई बात मानना तो छोटी मोटी बातें हैं, कोई भी श्रीमत दी तुरंत मानने के लिए तैयार। तो क्या निशानी बताई? जिससे प्यार होता है उसके ऊपर चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे दुनिया का विनाशी धन हो, चाहे कितना ही कीमती समय हो, आज की दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? टाइम की बहुत वैल्यू। किसी के पास अब टाइम ही नहीं है। कोई से कहो भगवान आया हुआ है थोड़ा समझने के लिए, दो मिनट दे दो, फिर हमारे पास टाइम नहीं। तो सब कुछ तन मन धन समय संपर्कियों को और संबंधियों को, संपर्की माना जो थोड़े थोड़े कनेक्शन में आते हैं, और संबंधी माना
जो गहरे संबंध में आते हैं ऐसे संबंधियों को भी कुर्बान कर देते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, कैसा बन जाए? बाप समान बिंदी बन जाए, है? शरीर छूट जाए। बाप क्या चाहते हैं? हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, माना पुरुषार्थ करके जो प्रैक्टिकल में मनुष्य सृष्टि का बाप हमारी बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसे बाप समान पाटदारी और पुरुषार्थी बाप के समान हम बन जाए, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने। हर एक बच्चे के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। पूछा सभा से, ऐसे बने हो ना? फिर आरई लगा दी। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति को जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता है। कैसी पवित्रता? संपूर्ण पवित्रता। तो सन्यासी कहेंगे हम तो संपूर्ण पवित्र क्या? जब से घरघाट छोड़ा, जब से ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुए, हम तो संपूर्ण पवित्र है। उसे संपूर्ण पवित्र कहेंगे? संपूर्ण पवित्र माना तन की कर्मेंद्रियों से भी पवित्र, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी पवित्र कर्मेंद्रियां बनी हुई हूं कि बाप के सिवाय कोई भी टच बिना मात्र भी न कर सके। और तन से भी पवित्र और वाचा से भी पवित्र। तन में कान भी आ गया, कानों में अगर बाप की निंदा कोई सुनाता है तो बुद्धि में बैठा हुआ सदगुरु निंदक ठौर न पावे। माना पहले जन्म की जो राजाई है, यथा राजा तथा प्रजा, उस राजाई में नहीं आ सकेंगे। ऊंच पद पाना तो बहुत दूर की बात हो गई, कौन नहीं आ सकेंगे? जो जो बाप की निंदा सुनते हैं, सदगुरु की निंदा सुनते हैं, कोई कोई तो रज रज के सुनते हैं। हाँ सही बात है, हमें भी इस बात का अनुभव होता था कि बात ऐसी ही है। भक्ति मार्ग में तो कहते रहे सतगुरु निंदा सुनिए न काना, ओए पाप गऊ घात समाना। क्या सदगुरु की निंदा अगर कानों से सुन ली और सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाली नहीं, धारण कर ली, तो कैसा पाप लगता है? गऊ की हत्या कर दी, ऐसा पाप लगता है। वो भक्ति मार्ग वाले समझते हैं जानवर गऊ की हत्या कर दी, ऐसा पाप लगता है। लेकिन जानवर गऊ की हत्या की पापन बात नहीं है, कौन सी गऊ की हत्या की बात है? हैं? हैं? जो कन्याएं माताएं हैं उनमें भी खास करके जो कन्याएं हैं जिनके लिए गायन होता है कि भारत की ये कन्या, उसको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है
सारा जीवन इतना सीधे स्वभाव की होती है कि सारा जीवन उस खूंटे से बंद करके रहे। ऐसे गौ स्वभाव की कन्या ऐसी पवित्र बनने वाली कन्या जो बाप को अपना जीवन अर्पण करने के लिए पूरे पुरुषार्थ में लगी हुई हो, गोपाल कन्हैया गाया जाता है। किसका पाल कन्हैया? गोपाल कन्हैया, बैल पाल नहीं कहा क्या? गोपाल, उसमें माताएं भी आ जाती है, क्योंकि बोला है माताएं जब बाप की बन गई तो बाप माताओं को भी कन्या बना देते, क्योंकि जब से बाप की बनी तो अपवित्रता को त्याग दिया तो कन्या हो गई। तो ऐसी गौ स्वभाव की कन्याओं को हत्या करने का पाप लगता है। कोई सोचते होंगे ऐसी तो कोई हत्या नहीं करता, ऐसी भी हत्या करने वाले इस ज्ञान में चल रहे हैं। जो कोई कन्याओं को कोर्स देते हैं एडवांस कोर्स और पहले उनको गंदा कर देते हैं फिर यज्ञ में सरेंडर कर देते हैं तो उसकी हत्या पहले ही हो गई कि नहीं हो गई? सरेंडर होने के बाद उसे कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? कोई व्यक्ति याद आएगा, क्योंकि कन्या का यह स्वभाव होता है कि अपने जीवन में जिसके साथ पहली बार संबंध जुड़ता है वो जीवन में कभी भूलता नहीं, अमिट छाप पड़ जाती है। तो कितना बड़ा पाप हो गया, ऐसा पाप जो सदगुरु की निंदा सुनते हैं उनके ऊपर भी लगता है। वहां बेसिक नॉलेज में तो निश्चय पत्र नहीं लिखाया जाता था, लिखाया भी जाता हो तो संसार को चलाने वाली जो गवर्नमेंट है उसके कोर्ट स्टैंप पर नहीं लिखाया जाता था, और कहीं खुदा न खास्ता कोर्ट स्टैंप पर भी लिखा लिया हो तो जो जज नियुक्त किए जाते हैं सरकार की ओर से उन जजों की रहबरी में, जजों की देखरेख में शपथ पत्र नहीं लिखा जाता है, कोई भी संस्था में नहीं लिखा जाता है। इस बात का शपथ पत्र, निश्चय पत्र कहो शपथ पत्र कहो, पवित्र रहने का। और यहां एडवांस पार्टी में वो कोर्ट स्टैंप पर सरकारी जज नियुक्त किए हुए व्यक्ति के सामने वो निश्चय पत्र अथवा शपथ पत्र लिखवाए लिया जाता है। ऐसा पक्का प्रूफ रखने के बावजूद भी अगर कोई दूसरों का ज्ञान सुनना शुरू कर दे, बाप के अलावा कोई और से सुनना शुरू कर दे और उन सुनी हुई बातों में बाप की निंदा भी सुनना शुरू कर दे तो गौ का हत्यारा साबित होता है। ऐसे गौ के हत्यारे को भक्ति मार्ग में गांव से समाज से दूर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप माना जाता है।
लेकिन अगर विधर्म में विदेश में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी, विदेशियों में कन्वर्ट होने वाली, विदेशियों में प्रभावित होने वाली आत्मा होगी, तो वो इन बातों पर ध्यान नहीं देगी। जो पक्के पक्के आज सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले, वो ही इन बातों को मानेगी। तो संपूर्ण पवित्रता नाक कान आंख शेष इंद्रियों की भी पवित्रता, भ्रष्ट इंद्रियों की पवित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। शेष इंद्रियों की भी पवित्रता, ये बाप पसंद है, बाप का दिल पसंद है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। ओम शांति।